स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपका बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है अभी 2024 में, काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं कब से आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। तो टेंटेटिव डेट शेड्यूल तो आपका जारी कर ही दिया गया है। अब बात होती है आपके ऑनलाइन आवेदन की, तो कब से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। गर्ल्स भी कर सकती हैं और बॉयज़ दोनों के लिए ही होता है। कौन कौन भर पाएगा फॉर्म उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। आपने यहाँ पर अगर 12th पास किया हुआ है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि कौन कौन छात्र हैं जो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपने अगर मैथ साइड से किया हुआ है तो आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, अगर आपने बायोलॉजी साइड से किया है तो आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स कि आपने अगर यहाँ अपना पीसीबी से किया है, यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं यानी कि आपने 12th कंप्लीट किया अपना बायोलॉजी साइड से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और यदि अगर आपने मैथ साइड से किया है, यानी कि PCM आपने किया है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये चीज़ मैं आपकी यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। और दूसरी बात देखिए, ऑनलाइन आवेदन आपके कब से होंगे वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको थोड़ा समय अभी और इंतज़ार करना होगा। पुराने प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग चलिए वहाँ पर भी देख लेते हैं कि कब आपके पुराने जो नए फॉर्म आएंगे वो उसकी जो टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आने के चांसेस हैं। तो चलिए जो लास्ट ईयर का प्रॉस्पेक्टस है 2023 का, वो वाला एक बार चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपके ये अटल बिहारी वाजपेयी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर आपके अप्रैल में आपने फॉर्म देखे थे कि आपका जो स्टार्टिंग था, आपके कब से स्टार्टिंग हुई थी, 15 अप्रैल में स्टार्टिंग हो गई थी फॉर्म भरने के लिए। और आपके जो लास्ट डेट रही थी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो रही थी 18 मई, ठीक है। उसके बाद आपको 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था, लगभग आपको एक महीना आपके साथ में दिया गया था आपको अच्छे से और रिवीजन कर पाए। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो यहाँ पर लास्ट ईयर 4 जून को हुआ था, और अभी जो टेंटेटिव शेड्यूल आया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो भी अभी एक बार देख लेते हैं दोबारा से। तो ये आपका टेंटेटिव डेट शेड्यूल है जो कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए और आपका पैरामेडिकल एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स कि जो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम डेट रखा गया है वो यहाँ पर 2/6/2024 रखा गया है, और पैरामेडिकल के लिए 9/6/2024 रखा गया है, ठीक है। लगभग एक सप्ताह का अंतराल में ही आपका यहाँ पर दोनों ही एग्ज़ाम को कंप्लीट कराने के पूरे यहाँ पर चांसेस हैं। अब देखिए ये आपका जो है टेंटेटिव डेट शेड्यूल है, परमानेंट नहीं है, अभी से टेंटेटिव ही मान के रखें। दोबारा से आपकी अगर डेट में चेंजमेंट होता है तो वो भी बताएंगे, और अगर नहीं होता है तो वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। ये मैं काफ़ी पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहें। अब बात करते हैं आपके कुछ अलग पॉइंट्स की, जैसे कि आपका कौन कौन सा जो टॉपिक है आपको ज़्यादा कवर अप करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन की अगर बात करें तो अपना जो 12th क्लास का आपका बायोलॉजी का सेक्शन है उसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको अच्छे से पढ़ना है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री आप अभी रेगुलर रखें। अगर आपने अभी से स्टार्टिंग कर दी है तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो एग्ज़ाम आपका होगा इंग्लिश में, वो तो आप सभी को मालूम ही है कि आपका जो एंट्रेंस होगा वो इंग्लिश में ही आता है। ABBMU के थ्रू आपका टोटली आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना होगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही फॉर्म आते हैं, फॉर्म रिलीज़ होते हैं, अभी थोड़ा आप वेट करें, अप्रैल तक का तो वेट आपको करना ही है। अगर अभी स्टार्टिंग नहीं किया है अपने स्टडी तो अभी से ही स्टार्ट करें और रेगुलर स्टडी करते रहें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। अप्रैल में लगभग आपके फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे स्टार्टिंग से ही। अगर स्टार्टिंग से नहीं होते तो एक सप्ताह के बाद में आपके फॉर्म आने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि 15 आपके अप्रैल से लास्ट ईयर फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और जून में आपका एग्ज़ाम होना ही है, और यहाँ पर भी आपको सेम दिख रहा होगा, लगभग आपका 2/6/2024 है, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 दिन का ही अंतर है। तो इस हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो अभी से अपना स्टडी रेगुलर कर देना चाहिए।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और फॉर्म का वेट करते रहें, स्टडी रेगुलर करते रहें, और सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है 12th क्लास का पार्टीशन, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसे ही अपने नए फॉर्म्स आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है तो ज़रूर से किया करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।